हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 5 जून के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वन मैपिंग इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द मैपिंग्स ऑफ द सेट्स। ये दिया है आपके पास ए इनटू इटसेल्फ, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मैपिंग सिलेक्टेड इज 1-1। सबसे पहले तो 1-1 फंक्शन को इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैपिंग इज ए टू इटसेल्फ, तो कैसे होगा? ये आपके पास ए टू इटसेल्फ मैपिंग करनी है 1, 2, 3 एंड सो ऑन एन तक, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एन तक मैपिंग करनी है। तो अगर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि कितनी मैपिंग पॉसिबल है। तो एक को मैं 1 से रिलेट कर सकती हूँ, 2 से, 3 से, ऐसे एन तक रिलेट कर सकती हूँ। इसी तरह 2 को भी कर सकती हूँ, बट अगर मैं एक को एन से रिलेट करूं, एन से, तो 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी हुई? n-1। इसी तरह 3 के लिए n-2 एंड सो ऑन। लास्ट n को किससे रिलेट करना पड़ेगा? 1 से रिलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो आपके पास फेवरेबल केसेस है वो आपके पास ये आ गए। और अगर आपके पास आपको ये पता है कितना होता है, n-1, n-2 क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। अब टोटल पॉसिबल वेज के कितने हो गए? यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। एक को हम n वेज से मैपिंग कर सकते हैं, 2 को भी n वेज से कर सकते हैं, 3 को भी n वेज से कर सकते हैं। दैट मीन्स n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई एंड सो ऑन मल्टीप्लाई n। तो ये कितना हुआ? n⁴ दैट मीन्स रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। और अगर इसको ऑप्शन यही है, आगे करने की जरूरत नहीं है। दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला दिया है आपके पास इज इक्वल टू व्हाट। अब ये अगर पैराबोला की इक्वेशन है x² + 4x, अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 4 होता तो फॉर्मूला बन जाता। तो 4 से एडिशन कर दूंगी, आगे क्या है 2y एंड 4 से सब्ट्रैक्शन, ताकि फॉर्मूला बन जाए। ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला? x + 2 का होल स्क्वायर एंड -2y + 4। दैट मीन्स x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू -2 कॉमन ले लेते हैं, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो अगर मैं x + 2 को लिख लेते हैं कैपिटल X इक्वल टू -2 एंड y - 2 को कैपिटल Y, और साथ में यहाँ क्या था? स्क्वायर था। कंपेयर इट विथ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन सी होती है? x² = -4ay। तो ये -4a इक्वल टू -2, ये कंपेयर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी a = ½ We know that equation of latest rectum for this parabola x² = -4ay होती है equation of latest rectum, y = -a। y आपको पता है कितना? y - 2 कैपिटल Y। तो ये है आपका y - 2 एंड -½ तो हो गया आपका सॉल्व। y = -½ + 2 दैट मीन्स y = 3/2 एंड फाइनल 2y = 3। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेट करना है sin x + cos x। इंटीग्रेशन में है। और नीचे देखिए, अगर 1 को मैं ऐसे लिख दूं cos² x + sin² x, ये आपको पता है कितना होता है? 1 इक्वल होता है। और sin 2x का फॉर्मूला 2sin x cos x, ये होता है। ऐसा क्यों किया? ताकि फॉर्मूला बन जाए। और क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट जो है इसको मुझे हटाना पड़ेगा सबसे पहले। अब देखिए आगे क्या होगा, sin x + cos x, डिनोमिनेटर में आपका a + b का फॉर्मूला बन गया, cos x + sin x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? आपका बचा cos x + sin x। तो cos x + sin x ऊपर नीचे बचा, और साथ में क्या है dx। दैट मीन्स 1 dx की आपको इंटीग्रेशन करनी है। और 1 की इंटीग्रेशन x, साथ में +c, आपका फाइनल आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19। देखिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले सबसे पहले फॉर्मूला होता है, क्या होता है? d = a आपका एक ए है, इसमें से एक बी है, तो एक ए है एक बी है। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस के लिए, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस सी। अब ये एन क्या है, जितनी आपको टर्म्स चाहिए, फिलहाल कितनी चाहिए, 3 अर्थमेटिक मीन्स चाहिए, तो एन आपका कितना हो गया 3 और ए आपका ये वाला है, ए भी 3 हो गया और बी आपका ये वाला है, बी इज इक्वल टू 19। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 19 माइनस 3 और 3 प्लस 1 4, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 16/4। तो 16/4 इज 4। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब आपको 3 एंड 19 के बीच की टर्म्स निकालनी है, तो ए पहली ए होती है वो पहले से ही 3 है, दूसरी A1 A2 and A3 ये 3 निकालनी है। दिस इज A+D एंड A+2D एंड फाइनल A+3D। ए एंड डी की वैल्यू पुट करनी है, 3 + 4 7 and 3 + 4 = 8 11 and last 3 + 4 = 12 and last is 15 7 11 and 15 3 arithmetic means between 3 and 19। Next question is if ये आपके पास मैट्रिक्स दिया इक्वल टू 0, a by b क्या होगा, 1 of the cube roots of minus 1 1 of the cube rooट्स of यूनिटी ऐसे दिया है। देखिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही करेंगे इसका, ये प्लस माइनस एंड प्लस कर लेते, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0 और माइनस b 0 माइनस b स्क्वायर एंड लास्ट वाला 0 ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। a क्यूब माइनस माइनस प्लस b क्यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a क्यू इक्वल टू माइनस b क्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा -1 a बाय बी होल क्यूब इक्वल टू -1, दैट मीन्स a बाय बी इज 1 of the cube roots of -1 दिस वन। क्लियर। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना ही। डेली प्रैक्टिस कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।